तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो हेल्थ फॉसेट है ये जो है यहाँ से अटक रहा है। अगर मैं चलवाता हूँ तो अच्छी तरीके से जो है बाहर नहीं आता। तो इससे क्या होता है कि जब आप पानी से चलाते हैं तो पानी काफ़ी देर तक निकलता रहता है, फिर अपने आप जब वो ढीला होता है तब जो है पानी आपका बंद हो, से पानी वेस्ट भी होता है और भाई बहुत ज़्यादा गंदगी भी होती है। आइए कुछ नहीं करना आपको, ये जो सामने इसका मुंह है इसको खोलना है। कुछ ज़्यादा टाइट होते हैं तो आप कपड़े से भी पकड़ के खोल सकते हैं या फिर आप प्लास या रेंच आप ले लीजिए, उससे भी आप इसको खोल सकते हैं। खोलने के बाद आपको इस तरीके से ऐसे ये पार्ट मिलेंगे। अगर आपकी यहाँ जाली में गंदगी हो तो आप इस चीज़ को ऐसे निकाल के अच्छे से यहाँ साफ भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। साथ ही यहाँ पे एक हल्का सा वॉशर टाइप आपको मिलेगा, इसको आपको हाथ से नहीं खोले तो आप प्लास से पकड़िए या किसी भी चीज़ से टाइट से पकड़िए और यहाँ से पकड़िए और इस तरीके से आपको घुमाना है। जैसे ही आप घुमाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक स्प्रिंग आपको मिलेगा, साथ ही साथ ये जो हमारा वॉशर जो है बाहर आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे मोस्टली खराबी यही होती है कि ये स्प्रिंग जो है आपका हो जाता है जाम। अभी मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ, ये मैंने इसको निकाल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्रिंग जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा गंदगी फंस जाती है कभी कभी। इससे आप जो है इसको साफ़ करेंगे तो आपका जो है रिपेयर हो सकता है। अब जो है आप इस वाले पार्ट को ऐसे उंगली से दबाएंगे तो ये पीछे की तरफ जो है ये सारा का सारा पार्ट आ जाएगा। अब जो है आप इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए और अगर आप साफ़ करेंगे तो 90% चांस है अगर यहाँ से कोई पार्ट टूटा हुआ ना हुआ हो तो आप जो है साफ़ करने के बाद इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। खासकर ये जो चीज़ होती है इसके बीच में जो आपका ये होल है इसको आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए। गीला कपड़ा, टिश्यू या थोड़ा सा वो लगा सकते हैं आप, कॉलिन टाइप भी लगा सकते हैं। लगाए मत छोड़िएगा क्योंकि वरना इसका जो है ख़राब हो जाएगा। लगा के आप पोंछ दीजिए और आपका जो है वो ठीक हो सकता है। तो सारे पार्ट्स खोल के हमने गर्म पानी में खोलते हुए गर्म पानी में डाल लिया। साथ ही साथ आप कुछ जो जिससे दाग मिटाने के केमिकल होते हैं वो भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके वो नहीं है तो नींबू या बेकिंग सोडा आप डाल सकते हैं, घर के अंदर वो चीज़ आपके अवेलेबल होती है। और आधा एक घंटे के लिए आप इसको रख दीजिए, फिर आपका जो है आसानी से आप इसको जो है इसके दाग लगे हुए साफ़ कर पाएंगे। तो ये देखिए हमने सारे पार्ट साफ करके यहाँ पे लगा दिए, अच्छे से फिटिंग कर दी है। जो उसका बीच का होल था उसको भी अच्छे से साफ कर दिया, अच्छे से सुखा लिया है। अब मैं आपको दबा के दिखाता हूँ। तो ये देखिए अब दबाएंगे तो अच्छे से वापस आ रहा है, पहले जो अच्छे से वापस नहीं आ रहा था। इससे आप उन्हें पैसे भी बचा सकते हैं और घर में आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं।